Hello, good morning. This video is made by MP Telecom Circle FICO L2 team. ये video अपने को ERP system में temporary advance कैसे apply करना है उसका है. Temporary advance apply करने का T-code होता है ZFI 069_2_1. ZFI 069_2_1. अब देखिए इसमें मेरे को ये तीन टैब हैं. इसमें मेरे को क्रिएट का टैब चूज करना है. क्रिएट के टैब से टेम्परेरी एडवांस रिक्वेस्ट जनरेट होगा. इससे वो ये एडिट का टैब है, इससे टेम्परेरी एडवांस रिक्वेस्ट चेंज होगा. और ये डिस्प्ले का है. आई चूज द क्रिएट वन. अब इसमें ये रीजन सेलेक्ट करना एक इम्पोर्टेंट फील्ड है कि देखिए फर्स्ट ऑफ दिसंबर 2015 के बाद से ये R&M वाले जितने 13 to 24 ये जितने भी रीजंस दिख रहे हैं इसमें वो मेंटेनेंस ऑर्डर नंबर मांगेगा. तो अनटिल अनलेस आपके पास मेंटेनेंस ऑर्डर नंबर नहीं है तो आपको ये टी कोड्स ये रीजन कोड सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. फिर उसके बाद ये देखिए कैपेक्स है 25 से लेके 28 तक. ये चार अगर आपके पास इंटरनल ऑर्डर नंबर या WBS नंबर है कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड तभी आपको ये चूज़ करना है, नहीं तो आपको नहीं करना. ओके अभी ये मेरा खर्चा इज़ रिलेटेड टू स्टेशनरी परचेज. ओके आई विल चूज़ दिस. 200 रुपये का है. वंस टेस्टिंग हाँ इसको सेव करेंगे. वो अपना वो कहाँ रखती है वो कैची दी रखती थी उसने कैची इस साइड वाले में शायद लाओ कैची एक कटर लाना पड़ेगा. अब इस टेम्परेरी एडवांस नंबर को नोट करना है. अरे वो क्या है इनको गर्म मैडम को डेटा देना है पूरा TCA TBL. तब वो क्या है कि वो पेन ड्राइव में आएगा नहीं. Double 2 3 2. ओके अब इसको अप्रूवल के लिए सेंड करने के लिए ये एडिट वाला टैब दबाना है और आज है क्या मैच इसे सबमिट फॉर अप्रूवल करना है. इसे अप्रूवल के लिए सबमिट करते ही ये जो आपकी हायरार्की में अप्रूवर है उनके पास जाएगा, आपके कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास. ओके कल रात को भी तो अपने इधर पानी गिरा बोला हाँ सब 11 बजे बहुत तेज बारिश हुई है. मैं तो बढ़िया गैलरी में बैठते